आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद दे के परमेश्वर ने अपनी कलिसिया में आप सबको यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन को आशीषित करे। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वन परमेश्वर के मुख के निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन मनुष्य को जीवन देने के लिए है। परमेश्वर का वचन आपको जीवन देने के लिए है। जब खुदा का वचन आप सुनते हैं, प्रभु एक जीवन देता है आपको। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान के विषय में, शैतान को चोर कहा गया बाइबल में, और प्रभु ने कहा वो केवल आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और हत्या करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। प्रभु का वचन जब आप सुनते हैं आपको लाइफ में जीने के मकसद मिल जाते हैं, आपका जीवन बेहतर हो जाता है और प्रभु का वचन आपको प्रबल बनाता है, आपको माइटी बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। तो आज का वचन जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को, बिब्लिकल नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा और आप आशीषित हो जाएंगे। और आज का प्रचार हमारी कलीसिया के लोगों के लिए वो फेवरेट बुक में से है जिसको सुनने के बाद हमारे लोग आशीषित हो जाते हैं। नीति वचन, नीति वचन की पुस्तक जिसको सुनने के बाद, जिसकी मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद हमारे लोग वचन को सुन के बड़े आशीषित होते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, उसके लिए खोलेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 11 उसके पद 1 को पढ़े क्या लिखा है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 1। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वचन में, नीति वचन के अंदर सुलेमान ने बहुत सारी अद्भुत बातें प्रस्तुत करी हैं। और नीति वचन के अंदर जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, तो हम इसके रिबैनिकल इनसाइड को देखते हैं। पिछले दिनों में मैंने आपको कई सारे संदेश नीति वचन से सुनाए थे जिसमें रिबैनिकल इनसाइड आप लोगों ने सुने, जिससे आपकी विचारधारा परमेश्वर के वचन के प्रति बदल गई, पूरी तौर से चेंज हो गई। आज वैसे ही आप सुनने जा रहे हैं इस नीति वचन को जब सुलेमान ने लिखा था। तो जब आप पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 1 उसके पद 1 को, मैं वहां से थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं आपको। अध्याय 1 में लिखा है सुलेमान के नीति वचन। जो सुलेमान के नीति वचन शब्द इस्तेमाल किया गया, इसको हिब्रू भाषा में नीति वचन को कहते हैं मिशलई, मिशलई कहते हैं। और मिशलई का जो एम है, एम का जो उसका अर्थ निकलता है, होता है मीम, एम ई एम, एम ई एम, मीम। मीम का जो न्यूमेरिकल नंबर है वो होता है 40। मीम का न्यूमेरिकल नंबर जो होता है वो 40 होता है। और यहूदी जितने ज्ञानी पुरुष हैं वो इस बात को बताते हैं जब सुलेमान ने नीति वचन को लिखा था, लिखने से पहले 40 दिन वो उपवास में रहा था, वो 40 दिन फास्टिंग में रहा था, 40 days। वो 40 दिन के उपवास में रहने के बाद उसने नीति वचन को लिखा था। ये सुलेमान के, ये किंग ऑफ सुलेमान के, ये मिशलई हैं, उसके नीति वचन हैं जो उसने दिए थे। और वही चीज इसमें आप सुनते हैं, जब आप पढ़ते हैं, पढ़ते चले जाते हैं रीडिंग के पर्पज से, आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब इसके रिबैनिकल इनसाइड को आज आप सुनेंगे तो आपकी बाइबल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी और आप परमेश्वर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। अब जो बोला गया छल का तराजू, उससे यहोवा को घृणा आती है। क्यों बोला गया छल का तराजू? इसके बारे में यहूदियों की एक पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है यहूदियों की मिद्रास, उसमें दिया गया है कि छल के तराजू का अर्थ है कि जैसे जो लोग, जो सिटीजन जो होते हैं देश के, जो सिटीजन होते हैं, जब वो पाप भरा जीवन जीते हैं, बेईमानी का जीवन जीते हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ बेईमानी करते हैं और बेईमानी भरा उनका जीवन होता है, तो उनको सरकार भी वैसी ही मिलती है, उनको सरकार भी वैसी मिलती है, क्योंकि वो छल के तराजू से काम कर रहे हैं, यानी छल रहे हैं लोगों को, ठग रहे हैं लोगों को, तो उनको गवर्नमेंट भी वैसी मिलती है। और जब वैसी गवर्नमेंट मिलती है तो उनको उनको कुचल देती है पैरों तले, उनको पैरों तले कुचल देती है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। आज कितने वर्ल्ड की, आप अभी करंट की सिचुएशन देखें, वर्ल्ड की कितनी ऐसी कंट्रीज है जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, बहुत बेकार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां के सिटीजन भी वो छल के तराजू से ही अपना काम करते हैं, इसीलिए वहां की गवर्नमेंट भी ऐसी है कि उनको पैरों तले रौंद रही है, कुचल रही है। और यहूदियों के पवित्र ग्रंथ में मिद्रास के अंदर ये बात बताई गई है। यहूदी ज्ञानी पुरुष जो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, अगर कोई बेईमानी का जीवन जीता है, बेईमानी से पैसा कमाता है, तो उसको गवर्नमेंट भी ऐसी मिलती है। अगर किसी देश की ऐसी परिस्थिति आप देखो तो समझ जाना वहां के जो नागरिक है, जो सिटीजन है, वो भी बेईमानी भरा जीवन जी रहे हैं, वो अपने बिजनेस में बेईमानी कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, ये चीज बताई गई है। और क्यों बोला गया है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। और परमेश्वर जितने पाप बाइबल में बताए गए हैं,
उन पापों से परमेश्वर को बहुत ज्यादा घृणा है, वैसे ही ये मेजर पाप है उनमें से एक जिससे परमेश्वर को बहुत ज्यादा घृणा आती है। क्यों? क्योंकि छल का तराजू अगर किसी के साथ, जैसे एक व्यक्ति जो होता है तराजू में तोल के किसी को कोई सामान देता है, उदाहरण के तौर पे सामान देता है, तो अपने वो क्या करता है, बाट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। जो एक किलो का वेट होता है वो 900 ग्राम होता है और वो लोगों को दे रहा होता है, लोगों को दे रहा होता है, छल रहा होता है। अब इसमें क्या कर रहा होता है, वो दो लोगों के साथ गलत काम कर रहा होता है, एक तो दुष्ट लोग हैं उनके साथ और एक धर्मी लोग हैं उनके साथ। जब उस काम को कर रहा है वो दुष्ट के साथ भी कर रहा है और धर्मी के साथ भी कर रहा है, गलत तरीके से वजन को तोल के सामान उनको दे रहा है। उसमें क्या करता है, जो दुष्ट के साथ कर रहा है वो तो गलत कर ही रहा है, लेकिन धर्मी, जिस धर्मी को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपनी आशीष से धन दिया है, उसके धन के पैसे के साथ भी वो गलत काम कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर को घृणा आती है ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि धर्मी का पैसा भी तू मार रहा है, धर्मी का पैसा भी मार रहा है, धर्मी के पैसे के साथ तू गलत व्यवहार कर रहा है और परमेश्वर को इस बात से घृणा आती है। वैसे ही जब आप किसी को ठगते हो, किसी को छलते हो, तो परमेश्वर को बहुत ज्यादा उस बात से घृणा है, परमेश्वर को नफरत है। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही काम करते हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे कर रहे हैं, जॉब ऐसी कर रहे हैं जिसमें लोगों को ठग रहे हैं, छल रहे हैं। वो छल का तराजू है उनका, वो छल के तराजू से काम कर रहे हैं और परमेश्वर को इस बात से बड़ी घृणा आती है जब ऐसा कोई करता है, ऐसा कोई करता है, परमेश्वर को बहुत ज्यादा इस बात से नफरत है। और उसके साथ बताया कि इसका एक आत्मिक अर्थ भी बताया गया है, एक इसका दूसरा जो पहलू है वो हमें बताता है, आत्मिक अर्थ बताया गया। तो जो शेजीस हैं, यानी यहूदी ज्ञानी पुरुष अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं इस वचन के विषय में कि इसके बारे में बताया गया, छल के तराजू से जो लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। जो छल का तराजू, इसका अर्थ है जैसे कई लोग जो होते हैं, कई लोग खुद पाप भरा बहुत जीवन जीते हैं, बहुत पाप भरा जीवन जीते हैं, खुद पापी जीवन जीते हैं, मसीह लोग पापी जीवन जीते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने परिवार के लिए सारे कायदे कानून की लिस्ट खोल के रख देते हैं। तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, खुद पाप भरा जीवन जी रहे हैं और अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सारे कायदे कानून निकाल के रख देते हैं। वो छल के तराजू से तोल रहे हैं, खुद तो पाप भरा जीवन जी रहे हैं और दूसरों को तोल रहे हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। जो वेट और मेजर की बात करी गई है, यही बताया गया, जिस वजन से और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। बहुत से लोग खुद पाप भरा जीवन जीते रहते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए सारे कायदे कानून बाइबल के खोल के रख देते हैं। क्या बाइबल का वचन तुम्हें ऐसा सिखाता है? तुम्हें ऐसा सिखाता है? वो सब कुछ रख के रख देते हैं उनके आगे और लेकिन खुद फॉलो नहीं करते हैं, खुद उनके जीवन में पवित्रता नहीं है। ये छल का तराजू है, अपने आप को तो अच्छा अच्छा तोल दिया, मैं पाप करूं, मैं गुनाह करूं, मैं अपराध करूं, मैं तो अच्छा हूं, कोई बात नहीं, तुम कैसे कर रहे हो? ये छल का तराजू है, जब छल के तराजू से आप तोलते हो तो परमेश्वर को इससे घृणा आती है, इससे घृणा आती है। क्यों? प्रभु ने यहूदियों के विषय में कहा, तुम तो ऐसे लोग हो, ऐसे लोगों, फरीसियों के विषय में तुम तो ऐसे लोगों, लोगों पे मानो इतना भारी पत्थर डाल देते हो कि मानो मनुष्य का उठाना बहुत मुश्किल है, इतना भारी बोझ डाल देते हो और खुद उंगली से भी नहीं सरकाते। यानी खुद तो तुम वचन का पालन नहीं कर रहे हो और तुमने अपने अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को इतना भारी भरकम बोझ में दबा दिया, पूछो मत। खुद तो तुम पालन नहीं कर रहे हो। ये वही फरीसी थे जो पालन नहीं करते थे लेकिन कलीसिया पे इतना भयंकर बोझ डाल दिया था, पूछो मत। ऐसे ही बहुत सारे परिवार के लोग अपने परिवार में बोझ डाल देते हैं, वचन की शिक्षा फटाफट से बांटना शुरू कर देते हैं, खुद तो पालन नहीं करते, अपने लिए अपने आप को तोल लेते हैं अपने तराजू में, मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, मेरे को छोड़ दो, अपने आप को देखो। क्यों भाई? तुम तो पक्षपात कर रहे हो, छल का तराजू तुम्हारे हाथ में है। वैसे ही कोई न्यायाधीश, कोई जज अगर किसी चीज का फैसला करता है, जो आदमी गलत है उसको पता है गलत है, एविडेंस जो है इसके खिलाफ है, अगर लेकिन पैसा लेके वो उसको बचा ले और दूसरे के ऊपर वो आरोप लगा दे या दूसरे को जेल में बंद करवा दे या सजा उसके ऊपर सुना दे, वो छल का तराजू है, वो छल का तराजू है, उसने नाप लिया छल के तराजू में। और परमेश्वर को इस बात से बड़ी घृणा आती है, गलत किसी का जजमेंट करते हो तो भी परमेश्वर को नफरत है इस बात से, परमेश्वर को नाराजगी है इस बात से। और ये चीज यहां बताई गई है, ऐसा जीवन जिसका होता है परमेश्वर पसंद नहीं करता, लेकिन क्या लिखा, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। यानी जो छल नहीं करता है, पूरा वजन तोल के लोगों को सामान देता है, बेईमानी नहीं करता है, उसके पैसे को नहीं मारता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। जब बेईमानी भरा आप जीवन जीते हो तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और यहूदी इतिहास बताता है, जितने यहूदी हैं अपने घर में वजन तोलने के लिए बाट भी नहीं रखते हैं वो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से यही उनको शिक्षा दी गई थी, यही बताई गई थी, इसीलिए अपने घरों में वो बाट तक नहीं रखते हैं जिससे वजन तोला जाता है। ये प्राचीन काल से इस बात को यहूदी लोग मानते हुए आए,
और यही वो बात बताई जा रही है, छल का तराजू, अगर छल के तराजू से आप नापोगे और तोलोगे तो परमेश्वर को घृणा आती है इस बात से। आज बहुत से लोग वर्शिप करना नहीं जानते, लेकिन वर्शिप करने वाले को 10 कमी निकाल देते हैं, अच्छा नहीं बजा रहा, अच्छा नहीं गा रहा, और उसको पता नहीं गुस्से से कितना बोल देते हैं, और उनसे बोलो आप करके दिखाओ तो नहीं आता करना। क्यों? अपने आप को उन्होंने तोल दिया, अपने आप को बेहतर तोल दिया, सामने वाले को कमजोर तोल दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। दूसरे कहते उसने प्रचार अच्छा नहीं किया, उस जमाने ने अच्छा नहीं किया। चर्च के जब यूथ को मैसेज दिया जाता है बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो कुछ लोग अच्छे से प्रचार करते, कुछ नहीं कर पाते। तो दूसरे कहते बेकार किया इसने, बेकार किया, पास्सा भी इसको मत देना। दोबारा से आपने खुद नाप लिया और तोल लिया, आपने खुद नाप लिया तोल लिया, आप करके दिखाओ, आपको खुद नहीं आता, आप दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में छल का तराजू है, आप छल रहे हो। अपने आप को तो परफेक्टली आपने साबित कर दिया, दूसरों में आपने हजार कमियां दिखा दी। ये छल का तराजू है, अगर इस प्रकार से आप करते हो तो कोई फायदा नहीं, आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर जाएंगे। क्यों लिखा है? तुम दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। आज अपने भाई पे आप दोष लगा रहे हो दुनिया भर के, इसमें ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, और खुद अपने गरेवान में झांक के नहीं देख रहे कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में कितनी कमी है। तो आप छल के तराजू से तोल रहे हो। अपने भाई को तो आपने 10 कमियां बता के उसको नीचे कर दिया, और खुद को अपने आप को सेफ बता दिया, अच्छा बता दिया, धर्मी बता दिया, अपनी कमियों के बारे में कोई बात ही नहीं करी। ये छल का तराजू है, और परमेश्वर इस चीज से बड़ी घृणा रखता है, बड़ी नफरत रखता है। जिस नीति वचन को पढ़ के आप इजीली स्किप करते हो, उसके अंदर इतनी ज्यादा अद्भुत बातें हैं, जब उसको सुनोगे आप नॉलेज विजडम से भर जाओगे, आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, आप स्पिरिचुअली डेवलप हो जाओगे, आप परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखते हो। और ये चीजें बताई गई है, जो पाप भरा ऐसा जीवन नहीं जीता है, वो छलता नहीं है, ठगता नहीं है लोगों को, परमेश्वर को वो व्यक्ति प्रसन्न होता है, परमेश्वर को वो व्यक्ति पसंद आता है। इसीलिए छल के तराजू से कभी भी मत तोलना। उसके बाद दो में क्या लिखा है पढ़े एक बार। जब अभिमान होता तो अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया। लिखा है जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि पाई जाती है। ये चीज बताई गई है। और हिब्रू बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए विलफुल सिनर कम्स डिसग्रेस कम्स। इसका मतलब है जो जानबूझकर पाप करता है, वो जानबूझकर पाप करता है, वो अपमानित होता है। हिब्रू बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो जानबूझ के पाप करता है, जानबूझ के पाप करता है, वो अपमानित होता है। जब जानबूझ के कोई व्यक्ति पाप करता है तो अपमानित होता है, ये चीज बताई गई है। लिखा अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। जब मनुष्य के अंदर घमंड होता है, उस घमंड के कारण वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो अभिमान कर रहा है, और अभिमान करना परमेश्वर को कभी भी नहीं भाता है। आज बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे, बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनको वचन का कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन पास्टर से बड़ी बहस करते हैं, हर बात पे बहस करते हैं, एक एक बात पास्टर के एक एक वर्ड्स को पकड़ते हैं और बहस करते हैं, बहुत ज्यादा बहस करते हैं। क्यों? उनके अंदर अभिमान है। और जो शेजीस बताते हैं, यहूदी रब्बीज बताते हैं, अगर कोई वचन को सीखने के लिए, वचन को सीखने के लिए भावना रखता है, भावना रखता है, तो परमेश्वर उसको पहले नम्र बनाता है, तभी वचन सीख पाता है। वचन का ज्ञान ऐसे किसी को नहीं मिल जाता, क्योंकि उसके अंदर अभिमान है। और पौलुस ने इस बात को बोला, कुछ लोगों को शब्दों पर तर्क वितर्क करने का रोग है, एक बीमारी है उनको। बहुत से लोगों को बीमारी होती है जो वचन के एक एक शब्द में तर्क वितर्क करते हैं, बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, और ऐसे लोग कभी वचन नहीं सीख पाते। लिखा है क्योंकि अभिमान होता है वो अपमान भी होता है, और ऐसे लोग जो है अपमानित भी होते हैं, वचन को कभी सीख नहीं पाते कभी भी। और जो जानबूझ के पाप करता है वो भी अपमानित होता है। एक तो पाप हो रहा है अनजाने में, कि आपने अनजाने में पाप किया, उसके लिए आपने पश्चाताप किया, प्रभु आपको माफ कर देगा। एक होता है पाप मैं जानबूझ के कर रहा हूं, मुझे पता है गलत है, लेकिन फिर भी मैं दोहराई जा रहा हूं, वो मैं जानबूझ के पाप कर रहा हूं। जब जानबूझ के आप वो पाप करते हो तो परमेश्वर की दृष्टि में आप वो दोषी ठहर जाते हो, वो ढिढाई का पाप होता है। और ढिढाई का पाप करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के सामने वो भयंकर दंड के योग्य होता है। इसीलिए अपने आप को हमें ऐसा नहीं बनाना है कि ढिढाई का पाप करें, जानबूझकर वचन का उल्लंघन ना करें। बहुत से लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। क्यों? होशे 4:6 में लिखा है, मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज परमेश्वर का परिपूर्ण ज्ञान लोगों के पास नहीं है, जिसके कारण जीवन जीना उनको आता ही नहीं है, और वो नाश हो रहे हैं, आत्मिक रीति से नाश हो रहे हैं, संसार में नाश हो रहे हैं। उनका जीवन नाश की ओर जा रहा है, और उनको लगता है अगर आपका आत्मिक जीवन खत्म होता जा रहा है तो समझ जाना संसारिक चीजें और संसारिक बातें आपके जीवन में बहुत ज्यादा हैं।
संसारिक चीजें और संसारिक बातें आपके जीवन में बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए आपका आत्मिक जीवन नाश होता जा रहा है। अगर आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता है, आपका वचन जो मन जो है वचन पढ़ने में नहीं लगता है, आपका मन चर्च में आने में नहीं लगता है, उसकी सेवा करने में नहीं लगता है, तो इसका अर्थ है संसार की चीजों में आप गिरते चले जा रहे हो और संसारिक बातें आपके जीवन में एंटर करती चली जा रही हैं और आप खुदा से दूर हो रहे हो। जब खुदा से आप दूर हो गए तो कभी भी आशीषित नहीं होगे। और लिखा है परंतु नम्र लोग में बुद्धि होती है, जो नम्र लोग होते हैं उनमें बुद्धि होती है। यानी जो वचन को सुनते हैं, अगर कोई वचन को सीखना चाहता है, जब उसका अगुआ और बाइबल टीचर उसको कुछ सिखा रहा है परमेश्वर के वचन को, वो सुनते समय अगर वो नम्रता से ग्रहण करता है, बहस नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता, बदतमीजी नहीं करता उनके साथ, अगर जो नम्रता से स्वीकार करता है, लिखा उनमें बुद्धि रहती है, यानी वही वचन सीख पाते हैं। यदि आज आप में से कोई परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं प्राप्त कर पा रहा, वचन को नहीं सीख पा रहा, तो आपके अंदर नम्रता नहीं है। यही कारण है खुदा आपको वचन का ज्ञान नहीं दे रहा, वो ऐसे किसी को नहीं देता। जो इस सीरीज बताते हैं परमेश्वर का वचन खजाना है, खजाना या बुद्धि से भरा हुआ खजाना है, परमेश्वर ऐसे किसी को नहीं दे देता। जो अपने आप को नम्र बनाते हैं परमेश्वर उसी को देता है। अगर आज आप में से किसी के पास खुदा के वचन का प्रकाशन नहीं मिल रहा, वचन को पढ़ते हो समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपके अंदर नम्रता नहीं है। जब नम्रता नहीं होगी आपको मिलेगा नहीं। वचन में लिखा महिमा पाने से पहले मनुष्य के अंदर नम्रता आती है। खुदा आपको अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से भरने से पहले, अपने आत्मिक धन से भरने से पहले, अपने प्रकाशन से भरने से पहले आपको नम्र बनाता है। जब आप नम्र बनोगे तभी खुदा आपको देगा, नहीं तो 10 साल बैठोगे, 5 साल बैठोगे, वचन को खोल के पढ़ते रहोगे और कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो 5 साल पहले आपकी समझ थी, आज 5 साल बाद भी वही समझ होगी आपकी। क्यों? आपके अंदर नम्रता नहीं है। जब नम्र नहीं होगे खुदा आपको देगा नहीं। परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? क्योंकि मूसा समस्त पृथ्वी पर, वचन में लिखा है वो समस्त पृथ्वी पर सब मनुष्य में सबसे ज्यादा नम्र था, सबसे ज्यादा नम्र था। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया। परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया, उसको सर्वश्रेष्ठ बनाया, तभी जाके 32 लाख लोगों को वो फिरौन से लड़के, उसकी सेना से लड़के वहां से लेके निकाल पाया और लेके उनको चलता रहा, उनकी अगुवाई करता रहा। क्योंकि बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर ने परिपूर्ण किया। जितनी ज्यादा नम्रता आपके अंदर होगी उतना ही यीशु आपको ऊंचा करेगा, उतना ही ऊंचा करेगा। जितनी नम्रता आपके अंदर कम होगी उतना खुदा का प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा, वचन का ज्ञान नहीं मिलेगा, आप बुद्धि ज्ञान से भरे नहीं जाओगे। आपको नम्र होना पड़ेगा अगर उसकी महिमा पानी है। यह आत्मिक धन उसकी महिमा है, यह होता है उसकी महिमा करना। जब परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास होगा, वचन की शिक्षा आपके पास होगी, उसकी खरी बुद्धि आपके पास होगी, तभी तो लोगों को सिखा पाओगे। अगर होगा ही नहीं तो कैसे सिखाओगे, कैसे समझाओगे लोगों को? आज वही चीजें बताई जा रही है। नम्र हो जाओ, परमेश्वर आपको अपनी आत्मिक धन से भरेगा, वो बुद्धि देगा आपको। लिखा नम्र लोगों में बुद्धि होती है, जो घमंडी लोग होते हैं उनमें बुद्धि नहीं होती। इस वचन का विपरीत आप समझे तो लिखा नम्र लोगों में बुद्धि होती है, लेकिन जो घमंडी लोग होते हैं उनमें बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है। तो घमंडी लोगों से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको सही डायरेक्शन देंगे या सही बात सिखाएंगे। लेकिन नम्र व्यक्ति, उसके अंदर बुद्धि होती है परमेश्वर की दी हुई, उसके वचन की बुद्धि, वचन का ज्ञान, जो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। क्यों इसराइल के राजा, इसराइल के जितने राजा हुए वो क्यों भविष्यवक्ताओं के पास जाया करते थे? ताकि भविष्यवक्ता उनको गाइड करे, उनको बताए कि अब तुम क्या करो। क्योंकि उन भविष्यवक्ताओं में खुदा का आत्मा होता था, खुदा की बुद्धि होती थी, खुदा का ज्ञान होता था और वो लोगों को डायरेक्शंस दिया करते थे, तब जाके वो लोग कोई डिसीजन लिया करते थे। तो वही चीज यहां बताई गई है, नम्र लोगों में बुद्धि पाई जाती है। नम्र लोगों में अगर आप घमंडी हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे, खुदा आपको कुछ भी नहीं देगा, जो था वो भी ले लेगा। वचन में लिखा जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अगर आज आपका कठिन परिश्रम है तो खुदा आपको नॉलेज और विजडम से भरने को तैयार है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने को तैयार है, आपको ऐसा बना देगा कि समाज में खड़े होकर आप 50 लोगों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे सकते हो। अपने परिवार में आपको परमेश्वर जयवंत बना देगा, आपके परिवार में आप आशीषित हो जाओगे, समाज में आशीषित हो जाओगे, खुदा के राज्य के लिए आप काम करने वाले बन जाओगे। प्रभु ऐसा नॉलेज विजडम आपको देगा। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दिया, ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से भरा हुआ मन दिया परमेश्वर ने। जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया सुलेमान को, तो सुलेमान ने ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, ना धन मांगा, ना वैभव मांगा, ना लंबी आयु मांगी। क्या मांगा उसने? परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। सोचिए उसने क्यों बोला परमेश्वर को कि प्रभु मैं तो एक छोटे बालक के समान हूं। सुलेमान, बुद्धि और ज्ञान था उसके पास, क्योंकि अपने पिता दाऊद से उसने बहुत सारी बातें सीखी थी,
परमेश्वर के वचन के तौरा से उसने बहुत सारी बातें सीखी थी। उसके पास था व्यवस्था का पूरा ज्ञान था उसके पास, लेकिन उसके बाद भी जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो उसने बोला, प्रभु मैं एक छोटे बालक के समान हूं, एक छोटे बालक के समान जिसको भीतर आना और बाहर जाना भी नहीं आता। मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा की, मैं इनका न्याय कैसे करूंगा, मैं इनकी देखरेख कैसे करूंगा, मैं इनकी रखवाली कैसे करूंगा। तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि ज्ञान से समझ से भरा हुआ मन दिया। अगर आपका मन बुद्धि ज्ञान समझ से भरा हुआ होगा तो परमेश्वर का वचन उसकी ज्ञान की बातें आपके हृदय से बात करेगी। बुद्धि बात करती है, जब बुद्धि आपके अंदर होगी, ज्ञान आपके अंदर होगा, समझ आपके अंदर होगी, सही बुद्धि सही ज्ञान और सही समझ आपसे बात करेगी, आपको गाइड करेगी। आप अनुभव से एक्सपीरियंस से परमेश्वर की इच्छाओं को जान लोगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, किस सिनेरियो में आपको क्या करना है, किस समय क्या डिसीजन लेना है, वो परमेश्वर आपको सिखाएगा। आपकी बुद्धि आपसे बात करेगी। लिखा नहीं थी बुद्धि ऊंचे स्तर से पुकारती है, हे बोलो चतुराई सीखो। और ये बुद्धि आत्मा है परमेश्वर का, जो मैंने बताया था यशायाह 11:2 में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशन से, जो पीछे मैंने प्रचार किया था आप लोगों को, 7 आत्माएं हैं जिन्हें बताया गया, बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, समझ का, पराक्रम, युक्ति, यहोवा के भय का आत्मा है, ये स्पिरिट ऑफ लॉर्ड है, ये परमेश्वर की आत्मा है। जब आप में प्रवेश करेगी तो आपके मुंह से बुद्धि और ज्ञान की बातें निकलेंगी, आप परमेश्वर के वचन को समझ पाओगे, सीख पाओगे और चल पाओगे। और ये आत्मा उसी को मिलता है जो नम्र करता है अपने आप को। अगर आप नम्र करोगे तो खुदा आपको देगा, अगर घमंडी बना लोगे, अहंकारी बना लोगे, खुदा कुछ भी नहीं देगा आपको, कुछ भी नहीं देगा। इस बात को यहां बताया गया। उसके बाद इसके 8 को पढ़े, क्या लिखा है 11:8 को, हालेलुया। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक ऐसी बात कही गई है जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आ जाएगी, ऐसी टर्निंग पॉइंट लेके आएगी जो आज तक आपने समझा नहीं या सीखा नहीं। आज का वचन परमेश्वर का आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। 8 में क्या लिखा है, 8 में लिखा हुआ है वचन में कि धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। ध्यान पूर्वक सुने इस बात को, यहां जो वचन बताया गया है, लिखा है धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। और यहूदी रब्बी वो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, जो शेजीस अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि जब कोई धर्मी, ध्यान से सुने मेरी बात, जब कोई धर्मी पाप करता है, जब कोई धर्मी कोई पाप करता है तो उसके पाप करने के बाद स्वर्ग से उसके लिए दंड का आदेश निकल जाता है परमेश्वर की ओर से। लिखा है, बताया गया है, जब कोई धर्मी, ध्यान से सुने मेरी बात, फिर मैं बता रहा हूं, जब कोई धर्मी पाप करता है, कोई भी धर्मी पाप करता है तो परमेश्वर की ओर से आदेश निकल जाता है उसके दंड के लिए, उसके दंड के लिए आदेश निकल जाता है। और परमेश्वर का जब आदेश निकलता है कि इसको किस दिन दंड देना है, परमेश्वर इस आदेश को निकालते ही उसके कामों को देखता है, उस धर्मी के काम कैसे हैं, ज्यादा है कम है, वो तोले जाते हैं परमेश्वर के तराजू में, तोले जाते हैं, उस धर्मी के काम कैसे हैं। अगर उसके काम अच्छे हैं, वो धर्मी के काम अच्छे हैं और वो गलती उससे हुई है, उसके काम अच्छे हैं, तो जो दंड उसके लिए निकला है वो उस पर ना पड़ के उस दुष्ट व्यक्ति पे, इस संसार में किसी दुष्ट के ऊपर पड़ जाएगा, उस दुष्ट के ऊपर वो दंड आ जाएगा। जो दंड एक धर्मी के लिए रिलीज किया गया है, वो धर्मी बच जाएगा केवल अपने भले कामों की वजह से, जो परमेश्वर उसके भले काम देख लिए उसकी वजह से, वो दंड उस पे नहीं आएगा, वो दुष्ट पे पड़ जाएगा। लिखा है धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। किसमें? जो विपत्ति धर्मी के ऊपर आने वाली थी उसी विपत्ति में वो पड़ जाता है। और भाई उन्होंने बताया गया, जो दो लोग हैं उनकी गवाही पक्की निकलती है। तो एक वचन और रेफरेंस पॉइंट में दे देता हूं, उसको खोले ताकि ये समझ आ जाए आपको। उसके लिए खोलेंगे लिति वचन 21:21, उसके पद 18 को पढ़े, क्या लिखा है, हालेलुया। ये रेफरेंस पॉइंट है जो शेजिस देते हैं और बताते हैं इसी वचन को, ये दो वचन मिलकर इस गवाही को पक्की करते हैं। लिखा है 21:18 में, दुष्ट जन धर्मी की छोड़ोटी ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों को बदले दंड भोगते हैं। ये भी बताई गई है, अगर कोई धर्मी, मैंने बताया, कोई पाप करता है, कोई पाप करता है तो परमेश्वर का आदेश उसके लिए दंड के लिए निकल जाता है। और जैसे ही निकलता है परमेश्वर की ओर से आदेश, तो परमेश्वर उसके भले कामों को तोलता है, उसके भले काम देखता है ज्यादा है, कितने ज्यादा है, उसके आधार पे परमेश्वर की दया उस पर होती है और जो दंड उसके लिए रिलीज हुआ है। अगर परमेश्वर ने कोई आदेश दे दिया, वो रिलीज हो गया है तो परमेश्वर उसको बचाने के लिए, वो धर्मी को बचाने के लिए उसके कामों के अनुसार वो दंड जो है वो किसी दुष्ट पर डाल देगा।
किसी दुष्ट पर जगत में जो दुष्ट होंगे उन पर डाल देगा। इसलिए लिखा है जो दुष्ट जन है धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, जो धर्मी पर दंड आने वाला है वो एक दुष्ट झेलता है। अचानक से इस जगत में अचानक से कोई दुष्ट व्यक्ति मर जाए तो समझ जाना कोई धर्मी बचाया गया है। अचानक से कोई दुष्ट व्यक्ति मर जाए तो समझ जाना कोई धर्मी बचाया गया है, क्योंकि उस धर्मी के लिए उसके ऊपर दंड की आज्ञा निकली थी, लेकिन उसके भले कामों की वजह से परमेश्वर ने उस पर दया कर दी और वह दंड जो है उसको छोड़ के किसी दुष्ट व्यक्ति के ऊपर चला गया है और दुष्ट व्यक्ति उस दंड को भोगता है, उस दंड को भोगता है। यह बात यहां वचन में बताई गई है, ये चीज समझाई गई है। और वैसे ही एग्जांपल बाइबल में जो शेडीज हुए वो एग्जांपल्स देते हैं, वो कहते हैं एग्जांपल शद्रक मेशक अबेदनगो, इन तीन लोगों के लिए जो है इनको आग के भट्टे में डालने का प्लान किया गया था, इनके खिलाफ चुगली खाई गई थी। और लास्ट में क्या हुआ, जब इनको आग के भट्टे में डाल रहे थे, ध्यान से सुने, शद्रक मेशक अबेदनगो इन तीनों को धधकते हुए आग के भट्टे में जब किसी मूर्ति के आगे राजा की इन्होंने दंडवत नहीं किया तो उस समय इन पर दंड की आज्ञा निकली और इनको आग के भट्टे में डाला जा रहा था। कहां पे? आग के भट्टे में। और वो आग का भट्टा जो था वो पिछली आग से 7 गुना ज्यादा धधका दिया गया था उसमें डालने के लिए। वो जैसे ही डालने जा रहे थे, वचन बताता है जो लोग उनको आग में डालने जा रहे थे वो लोग आग से जल के मर गए, यानी उनके बदले वो दंड भोग गए। जो दुष्ट व्यक्ति थे उन्होंने उस दंड को भोगा, वो धर्मी बच गए और शद्रक मेशक अबेदनगो आग के अंदर गए और उनके ऊपर कोई भी हानि नहीं हुई। हालेलुया, कोई भी हानि नहीं हुई, परमेश्वर ने बचा लिया। क्यों? क्योंकि दंड जो उनके ऊपर डाला गया था उस दंड से परमेश्वर ने उनको बचा लिया। और जब परमेश्वर ने बचा लिया वो दंड किसके ऊपर आया? जो उनको आग के भट्टे में डाल रहे थे। सेम उदाहरण वो देते हैं डैनियल का। जब डैनियल के खिलाफ चुगली खाई गई और उसको सिंहों की मांद में जब डाला गया तो डैनियल सिंहों की मांद में तो गया लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो दंड की आज्ञा निकली थी परमेश्वर ने उसको बचा लिया। और जिन लोगों ने उसकी चुगली खाई थी उन सबको उठा के उसी में डाल दिया गया, परिवार समेत। वचन कहता परिवार समेत उनको जो है सियों की मांद में डाल दिया गया, जो लाइन के केज थे उनके अंदर डाल दिया गया। और वचन बताता जैसे ही डाल रहे थे हवा में ही लपक के शेरों ने उनको खा लिया और बोटी बोटी उनकी खा गए और हड्डियां रह गई। जब किसी धर्मी के विरुद्ध आप बातें करते हो, किसी धर्मी का अपमान करते हो तो खुदा इस चीज को देखता है। आपके विरुद्ध अगर कोई बातें कर रहा है, आपको कोई सताने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो खुदा का न्याय उसके लिए तैयार है। इस बात को ध्यान रखना। वचन में लिखा है कि लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर हमारे ओर है, वो हमारे साथ है। यदि धार्मिकता का आप जीवन जीते हो तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रख ले, जादू टोना तंत्र मंत्र या आपको गिराने की कोशिश या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश, आपको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कि खुदा आपके साथ है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं तो मोर्दक एक ऐसा व्यक्ति था जिसके खिलाफ हमाम ने प्लानिंग करी थी और उसने मोर्दक के लिए एक फांसी का फंदा तैयार करवा दिया था उसको लटकाने के लिए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको बचा लिया क्योंकि वो धर्मी था, उसको बचा लिया। और जो हमाम था उसके ऊपर दंड की आज्ञा निकल गई और वो उस फंदे पर लटकाया गया। हालेलुया। ये एग्जांपल्स दिए गए हैं जब कोई धर्मी पर विपत्ति आती है उसके धर्म के काम जो होते हैं, जब परमेश्वर का दंड उसके लिए रिलीज होता है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो दोनों के लिए रिलीज करता है, लेकिन उसके धार्मिकता के कामों पे परमेश्वर दृष्टि करता है। अगर उसके ज्यादा अच्छे धार्मिकता के काम है तो उस पर दया होगी, वो दंड जो है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर से रिलीज हो जाएगा और दुष्ट व्यक्ति उस दंड को झेलेगा, उस दंड को भुगतेगा। ये चीज बताई गई है। तो वही चीज हमें समझनी है कि परमेश्वर का वचन आज आपकी स्पिरिचुअल आईसीज को खोल रहा है कि आपको परमेश्वर के वचन को सीखना है और आज खुदा बता रहा है इसी तरह। उसके लिए 17 पढ़े, एक वचन 17 में क्या लिखा है, कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, यानी सिर्फ चैरिटी करने वाला, जो चैरिटी करने वाला व्यक्ति होता है वो अपना ही भला करता है। ये चीज बताई गई है, चैरिटी करने वाला व्यक्ति अपना ही भला करता है। जब आप चैरिटी करते हो तो किसका भला कर रहे हो? आप अपना ही भला कर रहे हो, किसी और का भला नहीं कर रहे। जो चैरिटी करने वाला व्यक्ति होता है वो अपना ही भला करता है, परंतु जो कुर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। लेकिन जो चैरिटी नहीं करता है, जो भला नहीं करता है, वो अपनी ही देह के साथ गलत काम करता है, उसके अंदर कठोरता है। और यहूदी ज्ञानी पुरुष जो है इस वचन की कमेंट्रीज बताते हैं कि जैसे वचन में लिखा हुआ है, कोई अगर किसी गरीब को, निर्धन को अगर वो उसकी मदद करता है, वो यहोवा को उधार देता है। किसी गरीब की सहायता मदद करते हो तो यहोवा को आप उधार देते हो। और इसी प्रकार बताया गया है,
मत्ती उसके 25 के 35 से लेकर 40 में यीशु ने कहा, अगर कोई किसी को मेरा चेला जानकर एक गिलास पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, अपने घर में जगह देता है, तो उसने उसको नहीं मुझे जगह दी है। क्योंकि प्रभु धर्मी को जब न्याय के दिन परमेश्वर जजमेंट करेगा तो उन धर्मियों को यही बोलेगा कि तुमने जिसको मेरा चेला जानकर एक गिलास पानी पिलाया, तुमने उनको तुमने कपड़े पहनाए, उनको अपने घर में जगह दी, बंदीगृह में थे, तुम उनसे मिलने गए, तुमने उसकी सूदी ली, तो इसका मतलब है तुमने उनके साथ नहीं वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोगों के साथ आप भलाई करते हो, परमेश्वर इस चीज को देखता है। इसीलिए गलातियों में लिखा है, सबके साथ भलाई करो, सबके साथ, लेकिन विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। ये चीज वहां रिकमेंड करी गई है, समझाया गया है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी विश्वासी भाई के साथ आप भला काम करते हो तो आप परमेश्वर के साथ कर रहे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ कर रहे हो, क्योंकि प्रभु ने बोला तुम जिसको मेरा चेला जानकर, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो उसके विश्वासी बच्चे हैं, जब उन पर तुम उनकी सहायता मदद करते हो तो तुम परमेश्वर की कर रहे हो, यीशु की कर रहे हो। और यीशु ने कहा, जो तुमने इनके साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। क्यों? इनका विश्वास केवल मेरी ऊपर है, ये मुझे देखकर चल रहे हैं। तो जो चैरिटी करता है वो कृपालु मनुष्य, वो अपना ही भला करता है, लेकिन जो कुर्र होता है वो अपनी देह के लिए दुख का कारण बनता है, वो अपनी देह के लिए दुख का कारण बनता है। जैसे कई उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, कई लोग क्या करते हैं, वो कुर्र कैसे होते हैं, अगर उनको पता है कि मैंने घर बनवाना है तो क्या करते हैं, किसी अपने रिश्तेदार को बोलते हैं जिसको ये काम आता है घर बनाने का, जो ठेकेदार है उसको बोलते हैं कि आप आइए आप मेरा घर बना दीजिए। उसने विश्वास किया कि ये जो है ये मेरा रिश्तेदार है, ये घर को बना देगा, अच्छे से बना देगा। लेकिन वो क्या करता है, वो अपने ही रिश्तेदार के साथ धोखा कर देता है। कैसे धोखा करता है? वो सीमेंट की जगह पे रेता मिला मिला के घर बना देता है और उसको लूट लेता है। ये कुर्र मनुष्य है, वो लूट लेता है, वो धोखा करता है, ऐसा काम करता है, ये धोखा है और कुछ नहीं है। कई इंप्लॉयज अपने मालिक के साथ धोखा करते हैं, मालिक ने पैसे दिए सामान लेने के लिए, वो सामान लेके आए, सामान आया 2000 रुपए का और बोलते हैं कि भाऊजी 2300 रुपए का आया, 300 रुपए टाका मार के अपनी जेब में। परमेश्वर कह रहा है तू जो टाका मार रहा है, जब मैं टाका लगाऊंगा तो 300 के बदले 600 निकलवाऊंगा बेटा, बीमारी में निकलेगा तेरा पैसा क्योंकि तू टाका मार रहा है। ऐसे लोग करते हैं आज, ऐसे ऐसे लोग हैं, परमेश्वर का वचन जानते हैं फिर भी टाका मारते हैं अपने बॉस के साथ। कोई सामान लेने भेजा टाका मार देंगे, कोई सामान है उठा के ले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। वो नहीं जानते वो गलत कर रहे हैं, और यही चोरी उनको स्वर्ग में एंटर करने नहीं देगी, यही चोरी उनके बच्चों को आशीषित नहीं होने देगी, यही चोरी उनके जीवन को श्रापित कर देगी। क्यों? क्योंकि खुदा के वचन को जानते हुए भी गलत काम किया। लोग ऐसे करते हैं दुकान पे गए सामान लेने के लिए, वो एक तो सामान उठा के चुपचाप जेब में डाल लेते और निकल जाते हैं। ये क्या है? ये चोरी है। और जब मनुष्य चोरी करता है तो चोरी के कारण उसके ऊपर श्राप आ जाते हैं, दंड आ जाते हैं, और बाद में वो परेशान हो जाता है, मैं क्या करूं। हम अपने चाल चलन को बेहतर नहीं करते, फिर हम खुदा से कहते खुदा हमें आशीष दे। ये टाका मारना बंद करो, आप टाका लगाओगे प्रभु आपके टाका लगा देगा। फिर मत बोलना कि प्रभु 300 रुपए हमने चुराए थे, 600 रुपए क्यों निकल गए, 800 रुपए क्यों निकल गए, 1000 रुपए क्यों निकल गए। अचानक से घर में कोई ऐसा सामान खराब हो जाएगा, आप बोलोगे अभी तक तो ठीक था, अचानक से क्या हुआ, उस सामान में 1000 रुपए 2000 रुपए लग जाएंगे और दिल पे बोझ रख के आप ठीक करवाओगे। ये क्या है? ये निकल गया जो आपने टाका मारा है। इसीलिए समझाया गया है ऐसा ना करें, अगर कोई आप पर बिलीव कर रहा है ऐसा काम ना करें, वो गलत काम बंद कर दे। परमेश्वर देखता है इस चीज को कि खुदा के साथ, खुदा के वचन के साथ अगर आप जीवन बिताओगे तो ही उसके पुत्र कहलाओगे, वरना नहीं। और ये चीज बताई गई है, जो व्यक्ति कृपालु होता है, जो चैरिटी करता है, वो अपनी देह के लिए अच्छा काम करता है, अपने लिए अच्छा काम करता है, अपनी फैमिली के लिए अच्छा काम करता है। लेकिन जो कठोर हो जाता, अपने हाथ को बंद कर लेता, मुट्ठी बंद कर लेता है, किसी गरीब की मदद नहीं करता, सहायता नहीं करता, खुदा के लोगों की मदद सहायता नहीं करता, उसकी सेवा के लिए नहीं करता, वो कुर्र हो जाता है, अपनी देह के लिए परेशानी का कारण बनता है, उसकी देह में बीमारी रोग समस्या सब आनी शुरू हो जाएगी। वो खाएगा, लिखा है तुम चोरी करते हो, आगे में कहा गया है कि तुम चोरी करते हो परमेश्वर के साथ। तुम खाते हो तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो तुम गर्माते ही नहीं हो, तुम्हें ठंड लगती रहती है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी कमाई को छेद वाले थैले में डालते हो, तुम सोचते हो हम बचा लेंगे, बचता ही नहीं। तुमने खेत में खूब सारा बीज बोया और क्या हुआ, उस खेत ने तुम्हें लिमिटेड फसल दी जिससे तुम्हारी लागत भी नहीं निकली, और तुम कह रहे हो कि हम क्या करें। वैसे आज मनुष्य रात दिन परिश्रम करता है, 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करता है, लास्ट में उसके हाथ में क्या निकल रहा है, केवल ऊंट कटारे, लिमिटेड। क्यों? जीवन में आशीष नहीं है। और आशीष कब मिलती है? जब खुदा के वचन का पालन करोगे। आप पालन करोगे खुदा आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, और वही चीजें बताई गई है। लेकिन जो कठोर मनुष्य होता है वो अपनी देह के साथ नुकसान वाला काम करता है, और यीशु ने यही बात बोली थी आगे।
अगर पढ़ते हैं मती अध्याय 25 के 35 से 40 में, तो प्रभु ने धर्मियों की बात करी है, उसके बाद अधर्मियों की बात करी है। प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, इसीलिए जाओ अनंत काल के दंड के लिए जाओ, तुम लोग वहां के लिए तैयार किए गए हो, जाओ। क्योंकि कुर्र मनुष्य थे, कभी चैरिटी नहीं करी, कभी खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया, अपने हृदय को कठोर कर लिया, अपनी मुट्ठी बंद कर ली, ऐसा जीवन वो जी रहे थे। इसीलिए उनके लिए बोला कि अनंत काल की आग में तुम जाओगे। उसके बाद एक वचन और पढ़े मेरे लिए, नीति वचन उसका अध्याय 11 उसका 32 क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। लिखा है 30 में यहां पर वचन में कि धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। ये बहुत अच्छी बात बताई गई है यहां पर कि धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। यानी धर्मी व्यक्ति जो इस शेजिस बताते हैं, यहूदी रब्बी अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं इस वचन की, वो कहते हैं एक धर्मी मनुष्य जो एक प्रभु का दास है, जो प्रभु का एक दास है, जो बाइबल की शिक्षा देने वाला व्यक्ति है, जब वो लोगों को शिक्षा देता है तो जीवन का वृक्ष उनके अंदर जाता है। और यीशु वो जीवन का वृक्ष है, यीशु ने कहा सच्ची दाखलता था मैं हूं, वो जीवन का वृक्ष है, वो जीवन का वृक्ष उनके अंदर जाता है और उनका जीवन बदल जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। जब धर्मी जन वचन का प्रचार करता है, वचन की शिक्षा देता है, उनका जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में आशीष आ जाती है, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। किसी को खाना खिला के, किसी को पानी पिला के आप स्वर्ग केवल नहीं जा सकते, ध्यान रखना। लोगों का जीवन बचाना है, आपको जीवन बचाना है और प्रभु के वचन की प्रभु के वचन की शिक्षा देना, उसकी सेवा करना, यह बहुत प्रेशियस चीज है। इसलिए धर्मी जन जो काम करता है, जो कठिन मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, वो बड़ी प्रेशियस चीज है। जो चीज बताई गई है यहाँ पे लिखा है धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और धर्मी जन जो मेहनत कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, उसका प्रतिफल उसका जीवन का वृक्ष है, उसको प्रभु वायदा कर रहा है तो धार्मिकता से जीवन जी रहे कि स्वर्ग में जो जीवन का वृक्ष है उसमें फल वो खा पाएगा। हालेलुया। और उसके मेहनत उसके परिश्रम करने से लोगों का जब जीवन बदल रहा है, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो उनके अंदर जीवन के पेड़ का वृक्ष लग रहा है जो खुदा का वचन है, ये खुदा का कलाम है, ये यीशु है। जब आपके अंदर जाएगा आपको अंदर से झिंझोड़ के रख देगा, अंदर से बदल के रख देगा, आपको नया बना देगा, आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, ये चीज बताई गई है। और इसमें आगे लिखा है बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, और जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो क्या करता है, लोगों के मन को मोह लेता है, वो लोगों के मन को मोह लेता है। एक बुद्धिमान मनुष्य, जब बुद्धिमानी से आप जीवन जीते हो तो लोग आपको पसंद करेंगे। एक बुद्धिमान जब शिक्षा देता है, लोग उसकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। और एक मूर्ख जब बोलता है तो उसकी बात सुन के लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन बुद्धिमान की बातें ऐसी होती है लोगों के मन को मोह लेता है, उनके मन को। जब अय्यूब इतना बुद्धिमान था, जब वो बातें करता था, वचन बताता है जब वो बातें करता था, लोग बूढ़े बूढ़े लोग भी, वृद्ध लोग भी, वो खड़े हो जाते थे उसकी बात को सुनने के लिए और आके टकटकी लगा के उसकी बातें सुना करते थे। जब प्रेरितों ने बातें करनी शुरू करी खुदा के वचन से, तो लोग खड़े होकर खुदा के वचन को सुनते थे टकटकी लगा के, क्योंकि बुद्धिमानी की बात कर रहा था। जब सुलेमान बात करता था तो लोग टकटकी लगा के उसकी बात सुनते थे, बड़े खुश होते थे, आनंदित होते थे। और सुलेमान का यश, उसकी चर्चा इतना फैल गया दुनिया भर में कि वहां की रानी राजा आके उससे मिलने आया करते थे, मिलने आया करते थे। क्यों? केवल सुलेमान की जो बुद्धि और ज्ञान की बातें सुनी है, उसके बारे में जो चर्चा सुनी है, उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। और जब वो बात करता था लोगों के मन को मोह लेता था, लोग कहते थे सचमुच परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, और ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से है जिसने जिसकी बातें सुन के हमारा जीवन आशीषित हो गया। और जो शेजिस बताते हैं सारा के बारे में, जो सारा और अब्राहम के बारे में, कि इन दोनों ने जब ये जिस देश में थे वहां से जब ये निकलने लगे, कूच करने लगे, तो लिखा है कि जितने लोग थे वहां के अन्य जाति लोग, वो इनके साथ साथ हो लिए, इनके साथ साथ हो लिए, इनके पीछे पीछे हो लिए। क्यों? उन्होंने स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस कमाए थे, उन्होंने आत्मिक बच्चे कमाए थे, उन्होंने आत्मिक परिवार कमाया था उन्होंने। वो लोग अपने देश को छोड़ के उनके पीछे पीछे हो लिए, उनके साथ चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था अब्राहम और सारा जो है वो आशीषित हैं। और जो शेजिस बताते हैं, सारा जिन बच्चों को अपने हाथ से खिलाया करती थी, जिन बच्चों को अपने हाथ से खिलाया करती थी, वो सारे के सारे परमेश्वर के दास बन जाया करते थे, परमेश्वर के दास। उसके हाथों में आशीष थी, बरकत थी। क्यों? वो धर्मी थी, वो चुगली नहीं करती थी, लड़ाई नहीं करती थी, झगड़ा नहीं करती थी, अपने पति के अधीन रहती थी, परमेश्वर के वचन का पालन करती थी, खुदा का आदर करती थी, खुदा के लोगों का आदर करती थी। ऐसा जीवन था, उसके हाथ आशीषित हो गए। और जितने बच्चों को उसने पाला, वो बच्चे खुदा के दास बनते चले गए, खुदा के लोग बनते चले गए। इतनी वो आशीषित थी। आपके हाथों में खुदा बरकत देगा अगर आप धार्मिकता का जीवन जियोगे, तो आपके हाथ आशीषित हो जाएंगे, आपके पैर आशीषित हो जाएंगे। जहां आप जाओगे आशीष उतरेगी उस घर में, खुदा आपके द्वारा काम करेगा, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा।
और जब वो दोनों उस देश को छोड़ के जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने उनके साथ साथ हो लिए, क्यों, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कमा लिया था, उनको लिखा है उन्होंने कमा लिया, जिन पुरुषों को जिन लोगों को उन्होंने कमाया वो सब उसके पीछे हो लिए, वो सब उसकी बातें सुन के आश्चर्यचकित हो गए और वो आशीषित हो गए, उन्होंने उनके द्वारा खुदा की आशीष देख ली, आशीष देख ली, वो सारे उनके पीछे पीछे हो लिए। क्यों लोग यीशु के पीछे हो रहे थे? जब यीशु प्रचार करता था लोग भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी, क्यों? क्योंकि यीशु की बातें उनके जीवन को बदल रही थी, यीशु की बातें उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही थी, यीशु की बातें उनको बुद्धि ज्ञान दे रही थी। ऐसी बातें तो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, ऐसी बातें सुन रहे थे यीशु से वो। उनका दिमाग बदल गया, उनके विचार बदल गए, उनकी सोच बदल गई। जब यीशु सामरी स्त्री से मिला, सामरी स्त्री से यीशु ने जब बातें करी, वो हैरान हो गई, वो आश्चर्यचकित हो गई और भागी भागी गई और पूरे अपने गांव में बता दिया, एक ऐसा भविष्यवक्ता मिला है, लगता है वही ख्रिस्त है, वही मसीह है, आओ उससे मिलो। उन्होंने उसकी बातें सुनी, उसने बोला कि मेरे बारे में इसने सब कुछ बता दिया कि मैंने कितने पति करे थे, मैंने क्या किया था, और सारे के सारे आए और जब उन्होंने यीशु की बातें सुनी वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला कि हम अब इसीलिए विश्वास नहीं करते कि तूने हमसे कहा, अब इसीलिए कि हमने खुद सामने से देख लिया और जो तूने कहा उससे बढ़कर हमने पाया, उससे बढ़कर हमने पाया। जब लोग यीशु के पास आते हैं उनका जीवन बदल जाता है, जब तक यीशु के पास नहीं आते बहुत सवाल होते हैं जीवन में कि यीशु पर विश्वास करने से मेरा धर्म बदल जाएगा, यीशु पर विश्वास करने से मैं समाज से अलग हो जाऊंगा, यीशु पर विश्वास करने से मेरे ऊपर विरोध होगा, मेरे ऊपर परेशानी आएंगी। लेकिन यीशु कहता है जब तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे धर्म को नहीं, मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। हालेलुया, यीशु किसी का धर्म नहीं, उसका जीवन बदलता है। जब यीशु के पास आप आते हो, यीशु आपको जीवन जीने का मकसद दे देता है, आपको जीवन को आपके बदल के रख देता है, आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, आप नॉलेज विजडम से भर जाते हो और आपका जीवन लोगों के सामने एक आशीषित जीवन हो जाता है और लोग आपके द्वारा आशीषित होते हैं। और यीशु ने कहा मैं तुम्हें आशीष का सोता बना दूंगा, मैं तुम्हें आशीष का सोता बना दूंगा, तुम में से आशीष बहेगी, तुम में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, तुम में से पवित्र आत्मा बहेगा, तुम्हारे शब्दों से बहेगा, तुम्हारी बातों से बहेगा और लोगों को छूनेगा, लोगों को नया बना देगा, लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्यों? तुम में से वो आत्मा बह रहा है, वो बह रहा है और ये ऐसा जल है कि वो पिएंगे तो प्यासे नहीं रहेंगे, उनकी बुद्धि प्यासी नहीं रहेगी, उनका ज्ञान प्यासा नहीं रहेगा, उनकी समझ प्यासी नहीं रहेगी, वो बदल जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम में होके मैं उनके जीवन में आशीष दूंगा। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा का मंदिर तुम सब हो और तुम में होके मैं चलना फिरना चाहता हूं, तुम में होके मैं वास करना चाहता हूं। आज यीशु हम में होके अपने काम को करना चाहता है, आज हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। निर्णय हमारा है कि खुदा के वचन को हम कैसे सुनते हैं, उसके वचन पर कैसे विश्वास करते हैं। आज हमने सुलेमान की रहस्यमय बातें सुनी, परमेश्वर के वचन की रहस्यमय बातें सुनी जिसने हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन से जो कुछ आपने सीखा है अपने जीवन में आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की।